आप सभी का स्वागत है घर की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं झटपट वेज पुलाव। आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, फिर भी मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी बनता है। ये बीन्स लेना है, उसके लिए हमें आलू लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, और ये कुछ ड्राई मसाले हैं, टमाटर कटे हुए दो, और ये थोड़ा सोया बड़ी है, और बारीक कटे हुए प्याज और मिर्च, और ये मैंने 30 मिनट सोख करके रखा हुआ चावल है। और सूखे मसाले में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक। चलिए हम स्टार्ट। हम डालेंगे देसी घी, और जब आपका घी गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे देख रहे हैं घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई मसाले। हमारे ड्राई मसाले हो गए, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए मिर्च और प्याज, और इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें गिराएंगे अपने कटे हुए वेजिटेबल। सोया बड़ी, टमाटर इसमें डाल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसे हम थोड़ा गलने तक पकाएंगे, मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी सब्जी रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, इसमें चावल गिरा के इसे भी 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। अब इसे हमने इसे 5 मिनट भून लिया है, ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जैसे कि मैंने 1 कटोरी चावल लिया था तो यहाँ 2 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने पानी डाल दिया है, अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद मैं मिलती हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं मैंने कुकर बंद कर दिया है, अब इसे 1 सीटी मार दिया, 1 सीटी और मारने तक। देखिए मैंने ढक्कन खोल दिया और हमारा वेज पुलाव बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेज पुलाव बन के तैयार है, और प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इतनी इजी इजी रेसिपी लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।